जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो एसआर केस है उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। मतलब ये एक्चुअल में केस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है, उन्होंने क्यों इस तरीके का निर्णय दिया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है वो है ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज है वो भी लॉस में जा रही है और जो बैंक है वो भी लॉस में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं? अब देखिए, जो कंपनी है, कंपनी खड़ी करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन कहाँ से लेगी? तो बैंक के तरफ से। तो बैंक यहाँ पर कंपनी को लोन देता है। फॉर से यहाँ पर 1000 करोड़ का जो लोन है वो इस कंपनी को दिया गया। अब कंपनी चाह कर भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर ख़राब होती जा रही है, कंपनी यहाँ पर लॉस में जा रही है। कंपनी जब लॉस में जाएगी तो क्या ये पैसा रीपे कर पाएगी बैंक को? नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा? जो ये पैसा बैंक ने कंपनी को दिया था ये यहाँ पर NPA हो जाएगा और बैंक भी यहाँ पर लॉस में जाएगी, बैंक की भी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पर ख़राब होती जाएगी। यही है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जो भारत में बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो ये ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम चल रहा है इसे सॉल्व करने के लिए लाया गया IBC को, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। अब इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो रिजोल्यूशन है और दूसरा है लिक्विडेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब देखिए, कंपनी है, अगर ये कंपनी लॉस में जा रही है तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? एक तो ये किया जा सकता है, कंपनी को बेच दो, कंपनी को नीलाम कर दो। मतलब कंपनी को अगर बेच दिया जाता है, उसे लिक्विडेट किया जाता है, तो यहाँ पर जो पैसा आएगा उससे बैंक की जो किस्त है वो रिजॉल्व की जा सकती है। फॉर से यहाँ पर 1000 करोड़ कंपनी को दिए गए थे, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है तो खरीदने वाले भी पूरे 1000 करोड़ में थोड़ी खरीदेंगे ना। यहाँ पर वो खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल 500 करोड़ में, तो ये 500 करोड़ बैंक को मिल जाएंगे। बैंक भी क्या सोचेगी, यार पूरे 1000 करोड़ जा रहे थे, इससे अच्छा है 500 करोड़ तो मिल रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, तो ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लिक्विडेशन, जब पूरी कंपनी को बेच दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है रिजोल्यूशन, मतलब क्या है कि कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन अगर ऐसा दिखाई देता है कि कंपनी को अगर थोड़ा बहुत हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें या फिर कुछ पैसा और इंड्यूस करें तो कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है और प्रॉफिट जो है वो कमा सकती है, तो ऐसा अगर हम अपनाते हैं कि यहाँ पर अगर पैसा लगता है तो पैसा और थोड़ा इंड्यूस कर दो कंपनी में, जिससे कि कंपनी को फिर से हम ट्रैक पर ला सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अब IBC का जो मेन मकसद है वो है रिजोल्यूशन का, मतलब यहाँ पर कंपनी को फिर से ट्रैक पर लेकर आना, क्योंकि इसी तरह अगर कंपनी बंद करते रहेंगे तो यहाँ तो इकोनॉमिक नुकसान होगा ना पूरे इंडिया को। इसलिए मेन मकसद क्या है IBC का, कि यहाँ पर रिजॉल्व कर सके, जिससे कि कंपनी को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके और कंपनी अपनी किस्त जो है फिर से यहाँ पर पे कर सके। लेकिन भारत में प्रॉब्लम चल रहा है लिक्विडेशन का, मतलब भारत में ज़्यादा हमें लिक्विडेशन जो है वही नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू रिजोल्यूशन। अब देखिए, IBC अगर हम देखते हैं तो IBC बेसिकली इसका रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। उसी के साथ साथ IBC जो है ये इक्वली अप्लीकेबल है कंपनीज के लिए भी, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी, तो ये सभी के लिए इक्वली अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर एक कैच आता है जो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इस स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल जो है उनके लिए अभी तक प्रोविजंस नोटिफाई नहीं किए गए हैं, इसीलिए इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी जो है अभी तक जो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 और उसी के साथ साथ प्रोविजन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इसके तहत हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर IBC के पिलर्स कौन कौन से हैं? अब देखिए, IBC के अगर हम पिलर्स देखते हैं तो सबसे पहला आता है रेगुलेटर। रेगुलेटर मतलब IBBI, जो मैंने अभी आपको बताया है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, तो ये होता है रेगुलेटर। दूसरा पिलर आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन सी है, तो इसमें हमें तीन देखने को मिलती है। पहली यहाँ पर आती है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये होती है कॉरपोरेट्स के लिए। डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये है इंडिविजुअल्स और फर्म्स के लिए। और NCLAT एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये है एपिलेट ट्रिब्यूनल जहाँ पर आप अपील कर सकते हो। अब यहाँ पर भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाएगा कि NCLT जो है ये है इंडिविजुअल्स और फर्म्स के लिए,
और जो DRT है ये है कंपनीज के लिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत रहेंगे क्योंकि DRT ये है इंडिविजुअल और फर्म के लिए, NCLT ये है कॉरपोरेट्स के लिए। और देखिए NCLT में जब आप अपील करते हो, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके बारे में डिटेल हमने देखा हुआ है ना, कल ही मैंने आपको बताया था। तो पहले आप NCLT में अपील करते हो, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है NCLAT उसमें अपील कर सकते हो, इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब यहाँ पर ये हो जाते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके बाद आते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और आते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। तो ये है पिलर्स IBC के, पिलर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NCLT जो है ये IBC के अंडर में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया है, कंपनीज एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो केस है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं SR स्टील का। अब SR स्टील जो है उसने यहाँ पर कंपनी खड़ी की, लोन लिया। अब लोन लेने के बाद यहाँ पर 2010 में ही वो लॉस जो है उसने घोषित करना शुरू कर दिया कि लॉस जो है हमें हो रहा है, लेकिन बैंक को लगा कि अगर हम थोड़ा पैसा इंड्यूस करते हैं, जो हमने रिजोल्यूशन देखा था है ना, थोड़ा पैसा अगर इंड्यूस करते हैं तो जो कंपनी है फिर से प्रॉफिट में जा सकती है। तो बैंकों ने क्या किया, फिर यहाँ पर जो पैसा है वो दिया, लोन में इसने पैसा लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, इवेंचुअली इसने दिवालिया घोषित कर दिया, बैंक करप्सी घोषित कर दी, हाथ ऊपर कर लिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर पैसा जो है रिपे नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है मित्तल की। अब यहाँ पर मित्तल क्या करते हैं, मित्तल बोलते हैं कि मैं कंपनी खरीदने के लिए तैयार हूँ। मतलब यहाँ पर कंपनी पर कर्जा है बहुत ज़्यादा है, मतलब आप समझ लीजिए 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मित्तल बोलते हैं कि मैं कंपनी खरीदूंगा भैया, ये कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। और लिक्विडेशन में मित्तल जी आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं 42,000 करोड़ में ये जो कंपनी है ये खरीद लूंगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं मित्तल जी कि 42,000 करोड़ रुपीज़ में मैं खरीद रहा हूँ, ये तुम आपस में बांट लो। अब इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं जो पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आ रहे हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आ रहे हैं। मतलब अब दोनों में डिफरेंस जो है वो समझना ज़रूरी है। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिन्होंने फाइनेंस दिया है, जिन्होंने पैसा दिया है, जिसमें बैंक आते हैं। और दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर में जिन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है वो आते हैं। तो SR स्टील को फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने पैसा दिया है मतलब बैंक, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जिन्होंने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया है वो। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस बिल्डिंग के लिए सीमेंट लग रहा है तो सीमेंट वाली जो कंपनी है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो पैसा है तुम आपस में बांट लो। अब ये केस जाता है NCLT में। अब NCLT की तरफ से निर्णय क्या आता है, पैसा जो है वो तो भैया सब में बटेगा, सब में बटेगा। अब यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिलती है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर COC जिसे कहते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर ये की डिसीजंस लेते हैं, वाइटल डिसीजन जो है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा लिया जाता है। और उसी के साथ साथ कौन से डिसीजन, वाइटल डिसीजन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर रिजोल्यूशन चल रहा है तो जो रेगुलर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसे अपॉइंट करने का काम कमिटी ऑफ क्रेडिटर का होता है। मतलब NCLT में कोई केस गया है वहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ता है, उसका निर्णय कौन लेगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर लेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ओनली। जहां ओनली आता है हम वो स्टेटमेंट गलत कर देते हैं, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहां पर NCLT की तरफ से निर्णय क्या आया कि पैसा जो है वो तो भैया सब में बटेगा, मतलब इक्वली बटेगा, जो मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर है और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है इक्वली पैसा बटेगा दोनों में। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, दोनों को इक्वल ट्रीट कर दिया। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, जो बैंक है वो बोलती है तो गलत है यार, हमने यहाँ पर इतना पैसा प्रोवाइड किया है ये तो गलत हो जाता है, हमको इक्वल नहीं, हमको मतलब हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, हमको यहाँ पर पहले रिजोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर मुद्दा पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट किसके तरफ से फैसला सुनाती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरफ से, बैंक वालों की तरफ से। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट बोली जाती है, वो बोलती है इक्वालिटी प्रिंसिपल यहाँ पर लागू नहीं होता है। मतलब यहाँ पर अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो, यू कैनॉट ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, इससे जो IBC का ऑब्जेक्टिव है वो डिस्ट्रॉय होता है।
अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती है, ये दोनों अनइक्वल कैसे हो गए, इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने भी, इनका भी पैसा अटका हुआ है, ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है इनका भी पैसा अटका हुआ है, तो दोनों का जब एसआर स्टील में पैसा अटका हुआ है तो दोनों को इक्वल ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर तो है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ पर खुद कोर्ट क्यों बोल रहा है कि इन दोनों को इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल है और अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी कुछ रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वेरियस कंपनीज को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो ऑपरेशंस है बिजनेस के वो रन किए जा सके। मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो बेनिफिशियरी है ये जो अमाउंट फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल एसबीआई जो है उसने पैसा दिया कंपनी को, फिर कंपनी ने रॉ मटेरियल जो है वो खरीदने के लिए ऑर्डर दी। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर पैसा नहीं देती थी तो क्या यहाँ पर रॉ मटेरियल वालों को ऑर्डर मिलता था? नहीं मिलता था। मतलब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, और ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ये इसके बेनिफिशियरी है, जो पैसा यहाँ से आया है उसके बेनिफिशियरी है, इसीलिए ये दोनों अनइक्वल है। अब आपको समझ में आ गया क्यों दोनों अनइक्वल है, कि ये फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है ये मेन है, ये माए बाप है, इसके बलबूते पर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उन्हें यहाँ पर ऑर्डर मिल रही है, इसीलिए दोनों अनइक्वल है। इसलिए सबसे पहले इन्हें तवज्जो दिया जाना चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर को, क्योंकि इनके वजह से पूरा जो प्रावधान है वो शुरू हुआ है। तो ये रीजंस है कि क्यों यहाँ पर अनइक्वल्स बताया गया कोर्ट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर पहला जो निर्णय है वो तो कोर्ट की तरफ से आया ही कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उन्हें तवज्जो दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आई वो ये है कि 330 डेज, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो भी केस चल रहा है वो 330 डेज का टाइम लैग जो है वो दिया गया है कि आप 330 डेज में रिजॉल्व करो उसको। मतलब जो प्रोसीडिंग्स है उसका टाइम मिलाकर 330 दिन में यहाँ पर रिजॉल्व होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो जो कंपनी है वो लिक्विडेशन के लिए चली जाएगी, है ना। ये यहाँ पर प्रावधान जो है वो दिया गया कि अगर नहीं होता है 330 दिन के अंदर कोई रिजोल्यूशन नहीं निकलता है तो लिक्विडेशन के लिए चले जाएंगे, लिक्विडेशन हो जाएगा तो फिर वहाँ पर कंपनी नीलाम हो जाएगी, बेची जाएगी, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि 330 डेज इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, मतलब यहाँ पर क्या है ये सही चीज़ नहीं है। अब इसके कहते हुए जो कोर्ट है उसने कुछ आर्टिकल्स भी यहाँ पर कोट किए कि आर्टिकल वॉयलेट होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है वो यहाँ पर वॉयलेट होता है, और आर्टिकल 19(1) और जी जो है ये भी वॉयलेट होता है, जो कि किसी भी इंसान को बिजनेस कैरी आउट करने के लिए इजाज़त देता है, तो ये भी यहाँ पर वॉयलेट होता है, क्योंकि 330 दिन अगर आप लगाओगे वहाँ पर रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो जो कंपनी है वो तो यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाएगी, वो तो बंद पड़ जाएगी, तो यहाँ पर जो बिजनेस कैरी करने का जो एक राइट है वो तो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है, और इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो ये भी राइट यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। तो ये दोनों आर्टिकल भी आपको पता रहना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कौन से आर्टिकल यहाँ पर वॉयलेट होते हैं, जो 330 दिन का प्रावधान यहाँ पर खारिज किया गया है कोर्ट के द्वारा। मतलब कोर्ट ने बोला है कि आप रखो 330 दिन का प्रावधान, लेकिन एक्सटेंड भी होता है तो इतना स्ट्रिंजेंट मत रखो कि यहाँ पर सीधा नीलाम करने की जरूरत पड़े। वीडियो का एंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।